सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे. फ्रेंड्स, आज मेरा FSA AG3 का एग्जाम था. आज 21 जनवरी है और आज मेरा एग्जाम था FSA AG3 का. सेकंड शिफ्ट में था, क्योंकि जो फर्स्ट शिफ्ट होता है वो 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक होता है और जो सेकंड शिफ्ट होता है वो 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक होता है. नहीं, सारे 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक होता है. सो फ्रेंड्स, आप देख ही लिए होंगे कि पहला शिफ्ट का जो क्वेश्चन सेट किया गया था वो इजी टू मॉडरेट था. मतलब ना ज्यादा इजी था ना ज्यादा मॉडरेट था, ठीक है. और जो मेरा शिफ्ट था वो मैं कह सकता हूँ कि इजी टू मॉडरेट ही था. बस फ्रेंड्स, क्या था ना कि मैं आपको वन बाई वन बताता हूँ. इंग्लिश से स्टार्टिंग करता हूँ. इंग्लिश में फ्रेंड्स क्या था कि इंग्लिश में सबसे पहले एरर डिटेक्शन था. वो उस टाइप का एरर डिटेक्शन नहीं था जो हम लोग देखते हुए आए थे, जो हम लोग मॉक में कर रहे थे वैसा एरर डिटेक्शन नहीं आया था. ये आया था आपका ये सेंटेंस वाइज, ओके. जैसे ABCD सेंटेंस था, उसमें बताना था कि कौन सा गलत है. तो इससे ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए थे एरर डिटेक्शन से, सेंटेंस वाला. और फिर उसके बाद था पैराजम्बल नहीं आया था, ना पीजे आया था, पीजे भी नहीं आया था, क्लोज टेस्ट भी नहीं आया था. फिलर्स आया था, 2-3 क्वेश्चन फिलर्स के थे जहां तक मुझे याद है. सेकेंड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, आज FSA AG3 का सेकेंड शिफ्ट का बता रहा हूँ, 21 जनवरी का. इंग्लिश में आपको बताया कि 4-5 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन से थे और आपका ये फिलर्स था, 3-4 क्वेश्चन फिलर्स का था और मिस स्पेल्ट सेंटेंस का था, वर्ड का था मिस स्पेल्ट का, जिसमें मुझे एक का याद है. एक का आंसर होगा प्रिवेंट, लेकिन उसमें था PREVENT, तो वो मुझे याद है. एक और कोई था, मतलब 2-3 क्वेश्चन इससे थे और आपका उससे था, फ्रेज रिप्लेसमेंट नहीं था, वो था मतलब जम्बल वर्ड था. जैसे होता नहीं फ्रेंड्स की एक तरीके से आप पीजे ही कह सकते हैं, जो छोटा छोटा पीजे होता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट कह सकते हैं. तो 3-4 क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट 4-5 क्वेश्चन थे, हाँ 4-5 क्वेश्चन सेंटेंस रीअरेंजमेंट के थे और वो इजी थे. मतलब ऐसा नहीं किया था बहुत हार्ड था, आसानी से मिल जा रहे थे एक बार देखने पर. और उसके बाद आपका वो RC तो रहता ही रहता है. तो RC था, तो RC का मैं आपको बता दूं, स्टोरी था जैसे कि जो ट्री है ना, ट्री को पर्सोनिफाई किया गया था. यानी कि ट्री को एक लिविंग थिंग्स की तरह बताया गया था कि जब वो जो ट्री होता है वो अपने आप को कंपेयर करता है और दूसरे के ट्री से, जो अगल बगल उसके ट्री रहते हैं उससे वो छोटा रहता है. फिर उसमें बताता है कि जब सर्दी आता है तो पेड़ सब काट लेते हैं, उसके इंडस्ट्री वाले आते हैं, सब पेड़ काट के लेके चल जाते हैं. तो वो मतलब एक तरीके से अपना आप बीती बताता है. होता नहीं फ्रेंड, जो पोएट होते हैं वो किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की तरह पर्सोनिफाई कर देते हैं. तो वही जो ट्री था वो अपना जो वो ट्री था उसके बारे में पर्सोनिफिकेशन था. तो स्टोरी बेस्ड था. मतलब 4-5 क्वेश्चन उससे थे, आई थिंक 4-5-6 क्वेश्चन थे और उसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसा था फ्रेंड ना, जो मतलब आपको डायरेक्टली अगर आप अच्छे से पढ़े हो RC तो उसमें से मिल जाएंगे. और एक क्वेश्चन था फ्रेंड्स आपका, 2 क्वेश्चन थे, एक सिनोनिम के क्वेश्चन थे, एक एंटोनिम के, और एक क्वेश्चन आपका और था, मतलब 5-6 क्वेश्चन था. तो ये पूरा मिलाकर के आपका 25 क्वेश्चन आया था, ठीक है. जिसमें मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मेरे से अटेंड हुआ था, आई थिंक 22 में अटेंड किया था. हाँ, मैं 22 अटेंड, सबसे ज्यादा मैं इंग्लिश में ही किया था, 22 अटेंड किया था. अब होपफुली जहां तक मुझे विश्वास है कि मेरा इसमें 85-90% एक्यूरेसी है इसमें. मुझे एक दो से तीन क्वेश्चन में मुझे डाउट था, एक सिनोनिम वाला में था और एक था आपका एरर डिटेक्शन में, दो एरर डिटेक्शन में था और एक सिनोनिम था, और बाकी सब तो मतलब ठीक था, इजी था. फिर उसके बाद हम आते हैं रीजनिंग सेक्शन में. फ्रेंड्स, रीजनिंग सेक्शन बता दूं क्या 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 आया था. रीजनिंग सेक्शन में आपका दो पजल आया था, 10 नंबर का था, आई थिंक 10 नंबर का था. उसके बाद फिर आपका मिसलिनियस था, 3-4 क्वेश्चन मिसलिनियस था, और आपका ये सिलॉक्स था, बट वो नहीं था आपका, इनइक्वालिटी नहीं था. एज यूजुअल हम लोग इनइक्वालिटी देखते हैं मॉक में, बट मॉक में नहीं था. कह सकते हो फ्रेंड कि 25 क्वेश्चन इसमें भी था, जिसमें मैं सबसे पहले, हाँ और एक और क्वेश्चन था आपका उसका डायरेक्शन का था क्वेश्चन, हाँ डायरेक्शन का 3 या 4 क्वेश्चन था डायरेक्शन का. तो कुल मिलाकर आपको 4 चीज मिले, जैसे कि आपका पजल तो देता ही देता है, पजल हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, मिसलिनियस हो गया और आपका डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया. तो ये 4 क्वेश्चन था. तो फ्रेंड्स मैं स्टार्ट किया मिसलिनियस से, 3-4 क्वेश्चन, हाँ इसलिए मिसलिनियस से मैं स्टार्ट किया था, सिलॉक से.
चार पांच क्वेश्चन किया, उसके बाद फिर मैं पजल पे शिफ्ट हो गया। पजल पे जब शिफ्ट हुआ तो ऐसा मेरे साथ होता नहीं है कभी कि फर्स्ट टाइम में ना हो या सेकंड टाइम में ना हो। इसमें क्या था फ्रेंड कि दो दो कहते हैं वो ऑप्शन से मैं कर रहा था, दो ऑप्शन कह रहा हूँ, दो बार मुझे उसको दोबारा करना पड़ा, मतलब कहीं डाउट हो गया था तो उससे क्या हुआ कि लास्ट में हो गया था, वही होता है ना, टाइम ज़्यादा लग गया। तो एक्यूरेसी है मेरा पजल में क्योंकि सही होगा। और दूसरा पजल में उठाया, दूसरा मतलब पजल तो डुएबल था, करने लायक था, आप कर लेते टाइम में। यही होता है ना कि आप कोई जो सेंटेंस से गलत पढ़ ली हो तो फिर उससे गलती हो जाता है, तो बस उसी लिए थोड़ा टाइम लगा मुझे। उसके बाद फिर आपका मैं डायरेक्शन और डिस्टेंस तो छू ही नहीं पाया क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। स्लॉक्स में किया था, दो पजल था, दोनों पजल में किया। एक पजल में एक्यूरेसी मतलब 80 to 90% है और एक में 100% है, वो तो सही था मेरा। और उसके बाद आपका मिसलिनियस था, मिसलिनियस किया। ओवरऑल मैं 25 में से आई थिंक 16 या 17 में अटेंड कर पाया था। फिर उसके बाद आता है क्वांट का सेक्शन। क्वांट का सेक्शन में आता है आपका स्टार्टिंग होता है अर्थमेटिक से, वो एकदम पूरा वो बैंक वाला ही था पैटर्न। आपका स्टार्टिंग होता है क्या होता है मैं हाँ स्टार्टिंग होता है अर्थमेटिक से, और चार छः सात क्वेश्चन के बाद, आई थिंक 10 क्वेश्चन के बाद फिर आता है आपका वो ये क्या कहते हैं इसको, सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन लगभग मुझे लग रहा है आराम से 6-7 क्वेश्चन होंगे सिंप्लीफिकेशन के। आप मुझे बताइएगा, अगर आप दिए होंगे तो आप बताइएगा कितना होगा, मैं तो एक रॉ आपको बता रहा हूँ। तो 5-6 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का था, और फिर उसके बाद इनइक्वालिटी का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, इनइक्वालिटी कह रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, था 3-4 क्वेश्चन था उसका। उसके बाद फिर आपका ये हाँ एक डीआई था आपका, लाइन ग्राफ वाला आई थिंक था, हाँ लाइन ग्राफ वाला ही था, एक डीआई था आपका, और सब ये अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे। तो इस पे मैं अटेंड कर पाया क्योंकि मतलब जो कुछ सिंप्लीफिकेशन ऐसे थे जो मतलब देखने में इजी लग रहे थे बट जब करने जाओ तो थोड़ा सा लग रहा था, तो टाइम लग रहा था इसमें। तो सिंप्लीफिकेशन में एक छोड़ा था जहाँ मुझे डाउट था इसलिए मैं वो नहीं किया। और उसके बाद मैं अर्थमेटिक क्वेश्चन किया, आई थिंक अर्थमेटिक का मैं सभी किया था, एक छोड़ दिया था, एक छोड़ा था इसमें मतलब डाउट आ रहा था वो छोड़ दिया था। उसके बाद फिर मैं ये वो आपका डीआई को उठाया, डीआई को जैसे ही उठाया तो टाइम ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला था, लेकिन 5 में से शायद मैं 2 क्वेश्चन किया था। ऐसे ओवरऑल मेरे आई थिंक 16 कुछ ऐसे मतलब क्वांट बने थे, 16 करीब इतना ही बने थे। फिर उसके बाद आता है जीएस का सेक्शन, तो जीएस का तो आपको क्वेश्चन देख ही नहीं होंगे कि जो जीएस का जो क्वेश्चन था उसमें आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। एक मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि ग्लोबल वर्ल्ड रिसोर्स रिपोर्ट करके कुछ ऐसा क्वेश्चन था, ये कौन जारी करता है, तो ये मैं गलत कर दिया। मैं करके आया था UNCCC यूनाइटेड नेशन करके था, तो मैं वो उस पर करके आया था, लेकिन वो आंसर नहीं होगा इसका। इसका आंसर होगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऐसा कुछ था, मतलब यही होगा, ये वो आंसर नहीं होगा इसका, मैं बता दूंगा आपको अभी। मेट्रोलॉजिकल ऐसे कुछ इसका आंसर था, वो होगा। और दूसरा आपका क्वेश्चन हिस्ट्री से आया था, हिस्ट्री तो मैं छूता ही नहीं हूँ जैसे आपको पता ही है, मैं हिस्ट्री का क्वेश्चन छूता ही नहीं हूँ, तो डायरेक्टली 2-3 क्वेश्चन हिस्ट्री से था। और उसके बाद फिर एक मुझे क्वेश्चन का याद आ रहा है, एक क्वेश्चन था कि वर्ल्ड में बॉक्साइट सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो यहाँ पे मुझे डाउट था ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के बीच में, तो डाउट था इसलिए मैं नहीं किया, ये मतलब ये अटेंड नहीं किया। ओवरऑल मैं इसमें अटेंड किया था आई थिंक 18 क्वेश्चन अटेंड किया था, जिसमें मेरा 2-3 गलत हो गया है, दो जो गलत हुआ है मैं देखा हूँ वो गलत हो गया। तो क्या बताऊँ, करंट अफेयर जो क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन करंट अफेयर से क्या था कि अब जो BCCI है वो OMS को भी मतलब एक तरीके से वो अप्रूवल दे दिए कि ये भी अब ये मेंस के जो भी ICC होता है, हाजय ट्रॉफी और जो भी मतलब विजय ट्रॉफी जो भी मैच होता है उसमें ये अंपायरिंग कर सकती है। तो वो किससे स्टार्ट करेंगे, किस मैच से, विजय ट्रॉफी से या फिर मतलब आपका जो भी सेगमेंट होता है क्रिकेट का वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सर इसका आंसर आपका वो था विजय मतलब रणजी, इसका आंसर रणजी था, लेकिन वो मैं किया नहीं था। और डायरेक्टली मतलब कहने का मतलब है कि 18 क्वेश्चन, इसमें 25 क्वेश्चन तो आते हैं, इसमें 18 क्वेश्चन अटेंड किया था, 2-3 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे जो अटेम्प्ट थे, जब मैं कैलकुलेट किया था उस टाइम, तो मेरे अटेम्प्ट टोटल थे 72 अटेम्प्ट थे। और जहाँ तक मैं अपना रॉ मार्क्स निकाल पा रहा हूँ कि अगर मानते हैं सब में मेरा 3-3 भी गलत हुआ है, यानी कि 10 नंबर मेरे तो जाएंगे कन्फर्म है, 10 नहीं, रीजनिंग का तो छोड़ दीजिए, रीजनिंग तो ठीक है, फिर भी पॉइंट का तो एक्यूरेसी है मेरा, उसका भी रहने देते हैं। इंग्लिश में मेरा जो भी मार्क्स कटेगा 3-4 नंबर और 3-4 जो भी हो
और आपका जीएस में जो दो तीन गलत डायरेक्टली हो गया पता चल गया तो इसमें कटेंगे। तो ओवरऑल मेरा 72 अटेम्प्ट था। अब होपफुली देखिए कितना मार्क्स आता है, और आप भी अपना जरूर बताइएगा कि आप अपना अटेम्प्ट रहा, ठीक है। और इसी के साथ जो FSIAG का है 21st का आज खत्म हो रहा है, अब लास्ट है आई थिंक 29 को। जिनका भी 29 को होगा बताइएगा, ठीक है। और आपके लिए मैं मॉक लगा चुका हूँ, मेरे प्लेलिस्ट में है, देखिएगा FSIAG की AG3 के प्लेलिस्ट में। तो जिनको भी अगर मॉक करना हो तो आप वहाँ जाकर कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी मॉक का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो वहाँ, क्योंकि मैं मॉक करवाता हूँ, आपके पास क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। तो ये मेरा था फ्रेंड्स कि मैं क्या मेरे समय क्या क्वेश्चन आया था, मैं सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, सो दैट आपको भी अगर आपका भी एग्जाम है तो आप इससे एक एक्सपीरियंस ले पाओ। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको वीडियो, और वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अगर सब्सक्राइब करना हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए चलता हूँ फ्रेंड्स, और अपना ख्याल रखिएगा, बाय।